हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान है बनाना। वन रो का डिज़ाइन है, सिर्फ एक रो में हमारा डिज़ाइन आएगा, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे डिज़ाइन। ये तीन के मल्टीपल में बनते हैं। पहला फंदा हम स्लिप करके दूसरी सिलाई में ले जाएंगे, फिर ये जो नेक्स्ट तीन फंदा है हम इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे। और ये जो तीन फंदे हैं इनमें से हमको तीन फंदा निकालना है इस तरह से। एक फंदा आ गया, फिर इस तरह से धागा सामने ले आएंगे, आगे करके इसे घुमा लेंगे और इस तरह से हम बुनेंगे तो हमारा ये तीन फंदा निकल आया। फिर धागा पीछे, फिर नेक्स्ट जो तीन फंदे हैं, ये जो तीन फंदे हैं इनको हम एक साथ बुनेंगे। एक बार और घुमा लेंगे और फिर एक बार यहाँ बुनेंगे हम, तो तीन फंदा बन गया। मतलब तीन फंदे को हमें एक साथ बनाना है और यहाँ से हमें तीन फंदा निकालना है। इसी तरह पूरे लाइन हमें रिपीट करना है इसी को। धागा घुमाया, फिर एक फंदा निकाला, तो तीन को एक बार बनाएंगे और धागा पीछे, ये जो तीन फंदे हैं इनको इस तरह से हम बना लेंगे। बहुत आसान डिज़ाइन है, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, जेंट्स स्वेटर के हाफ स्वेटर के फ्रंट के डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा लगता है। बेबी स्वेटर में भी आप डाल सकते हैं, और क्योंकि इसमें जाली भी पड़ रहा है इसलिए आप इसे साल में भी यूज कर सकते हैं। इसका साल में अगर ये पैटर्न डालेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो इसी तरह हमारा ये रो कंप्लीट हो गया। तीन फंदों को एक साथ बुनना है और वहां से हमें तीन फंदा बनाना है, मतलब 3 out of 3। ये है रंग साइड। रंग साइड हमें सारे फंदे उल्टा ही बनाना है। आप इसे उल्टा ही बना लीजिए इस तरह से। ये हमारा रो 2 है। रो 1 में डिजाइन डाला, रो 2 सारे उल्टे फंदे, रो 2 सारा उल्टा फंदा डाल लिया। अब फ्रंट साइड में हमें सारा फंदा सीधा बनाना है। रो 3 सारा फंदा सीधा, रो 3 हमने पूरा सीधा बुन लिया। और रॉन्ग साइड में रो 4 जो है उसे फिर से हमें उल्टा बनाना है। सारे फंदे हमें उल्टा बनाना है। रो 4 जो है इसे हमने उल्टा बना लिया रंग साइड पे।
अभी हमें फिर से रोवन में जो डिजाइन बनाया था इसी को रिपीट करना है। देखिए थोड़ा सा बना लेते हैं इसका भी। धागा पीछे, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और ये जो नेक्स्ट 3 फंदा है इसे हम बना लेंगे इस तरह से। धागा इस तरह घुमाया और एक फंदा यहाँ से निकाल लेंगे तो 3 फंदा हमारा बन गया। फिर धागा पीछे और फिर 3 फंदा बुनना है एक साथ। इस तरह से हमें ये रो जो है रिपीट करते जाना है तो हमारा ये खूबसूरत डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही खूबसूरत है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।